हाँ ना मेरा बनाया थे नहीं, निशा बना रही है कढ़ी, भजिया कढ़ी, ये छत्तीसगढ़ी डिश है। ये क्या सलाद बना रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बन रही है भजिया कढ़ी, आज बन रही है भजिया कढ़ी की सब्जी। मेरी मम्मी आ रही है पीछे से। मैंने आज ये वाला कुर्ता और ये वाला लेगिंग्स पहना है। अभी मैं रखी हूँ चाय, तो चाय के साथ मटरी कल जो तले थे वो, या तो फिर भुजिया, मतलब ऐसे भूख नहीं लगी है पर इच्छा हो रही है भुजिया बनाने तो खाने की। अभी मेरी बहन बात कर रही है खैरागढ़ में, रश्मि। हाँ, मना बोला था उसका। अभी क्या है, हम लोग खैरागढ़ जाएंगे ना तो साफ सफाई करवा के जाना पड़ेगा, घर साफ सफाई के लिए फोन कर रहे हैं। तो बात भी हो जाए, यही टाइम पे तो आते हो। हेलो एवरीवन, मैं ना छत्तीसगढ़ी चैनल भी अपना चालू की हूँ, अभी उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। अभी दो तीन वीडियो ही, शॉर्ट वीडियो ही डाली हूँ, पर वो भी मुझे चालू करना है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे छत्तीसगढ़ी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है छत्तीसगढ़ी ब्लॉगर धन्नु, मेरे घर का नाम धन्नु है तो मैं उस नाम से चालू करी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग उस चैनल को भी सभी जा कर के देखें और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है छत्तीसगढ़ी ब्लॉगर धन्नु। हम लोग की पैकिंग हो गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग की पैकिंग हो गई है, हम लोग जा रहे हैं अपने चाचा चाची के यहाँ पे कुशालपुर। फिर वहाँ से सोच तो रहे हैं चोकर धानी वगैरह घूमने की। मैं कुछ आज नहीं की हूँ, ना आईब्रो फिल की हूँ, ना कुछ ना कुछ, बस ऐसे ही। तो फिर चोकर धानी वगैरह मेरे चाचा के लड़के को बोले हैं घुमाने के लिए, तो वहाँ हमारी पैकिंग पूरी हो गई है। मैं दिखाती हूँ, मैं और मेरी बहन। ये देखिए, ये मेरी बहन का है, ये मेरा। तो हम लोग आज जा रहे हैं कुशालपुर। हाँ बताइए, आपकी ननन लोग जा रहे हैं तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? एक ननन, मेरी जो एक ननन है वो टॉन्ट तक आ रही है ना, वो टॉन्ट तक समझ के बाहर आ रही है। रिटेक। हाँ निशा बताइए, आपकी ननन लोग जा रही है तो आपको कैसा लग रहा है? मेरी ननन कौन सी ननन, नाम बताओ। जो ब्लॉगर है फ्रॉम अमरावती, वो देखिए क्या बोल रही है, देखिए क्या बोल रही है, उसको सूटने के लिए। हाँ ये डांस कर रहे, देखो हमारे जाने के खुश, हमारे जाने की खुशी में ये डांस कर रहा है। और करिए, और इसकी मम्मी हमको बातें सुना रही है। हम लोग सुना, अरे गजब यार, वक्त भी मानना पड़ेगा, वाह, मानना तो पड़ेगा। पूरा उंगली कर दी है, बात पता है दूसरी को। और हर्ष, हर्ष अग्रवाल को कैसा लग रहा है? हर्ष कहीं नहीं है। आप मैं तो अपने में, क्यों दाढ़ी और बाल क्यों इतना बढ़ा दिए? अरे बाल कितना बढ़ गया। मैं आप लोगों को होम टूर भी नहीं कराई, अब थोड़ा करा देती हूँ। ये बच्चों के रूम का ये हॉल है, उसके बाद ये पूजा रूम है, उसके बाद ये एक और किचन है जिसको इन्होंने स्टोर रूम बना दिया है। यहाँ दो दो गैस चूल्हा है और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है। और ये हर्ष का रूम है, ये हर्ष का रूम सोफा कम बेड हो जाता है, ये बहुत अच्छा सोफा कम बेड हो जाता है। कितने का है हर्ष? ये 9000 में आया है, बहुत कंफर्टेबल है। और ये अंशु महाशय का रूम है,
ये अंश अग्रवाल का रूम है, ये देखिए, ये अंश का रूम, पलंग है, स्टडी टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, यहाँ पर ये ड्रेसिंग टेबल है, ये है, ये यहाँ से व्यू है, यहाँ से लिफ्ट है, जहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे, हमको निशा निकालेगी यहाँ से, जेल से निकालने वाले हो आप लोग, अभी निकालेंगे आप। और ये हॉल है, ये डाइनिंग टेबल, ये किचन, किचन आप लोग मैं दिखाई बार, मेरे को सबसे अच्छा यहाँ पे यूटिलिटी का एरिया लगा, बहुत बड़ा है, वॉशिंग एरिया बहुत बड़ा है, ये निशा का रूम है, ये यहाँ से गैलरी है, छोटी सी इन लोगों का फोटो है। इंजेक्शन लेने के लिए वापस आना पड़ेगा, ये इंजेक्शन पकड़ पकड़े कौन जाएगा। मजाक करने की आदत है, जो भी मजाक किए हैं उसको भूल जाना। इसलिए हम भी मजाक करते हैं, जो मजाक करने की आदत है तो मजाक जो सहता है उसके साथ मजाक करते हैं, सबके साथ तो कर नहीं सकते, भूल चुप करने की आदत है इसलिए हम मजाक करते हैं। Yeah.
हम बस में बैठ गए हैं। बस से अभी ये सब मैं देख रही हूँ छत्तीसगढ़ी का, जो ये छत्तीसगढ़ में जो ये चित्र पेंटिंग वगैरह हुई है वो सब मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं कितने सालों बाद बस में बैठी हूँ। बचपन में बैठते थे ऐसी बस में, अब कहाँ बैठते हैं। फिर अभी दुर्ग से कुसालपुर जा रहे हैं तो बैठी हूँ, तो मैं बाहर का व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही बारिश हो रही थी, बहुत ही सुहाना हो गया था मौसम, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था, तो आप लोग भी देखिए। जाएंगे ना ऑटो वाले, मेरे भाई और चाचा लेने के लिए आ रहे हैं। आकाश छोटू और मेरे चाचा हम लोग को लेने के लिए आ रहे हैं। सारे ऊपर से जाने के बाद नीचे तो उतरोगे और नीचे में वो पे। अभी मैं थोड़ी फ्रेश वगैरह गाउन वगैरह पहनूंगी, उसके बाद चाची ने चाय बनाई है, चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम लोग रात को यहाँ पर मरीन ड्राइव करके है तो वहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे। कितना सुंदर स्टोरी। मेरा तेरी नहीं समेटो समेटो सबके घर का यही हाल है। बच्चे तेरी नहीं समेटो, पहले पूछेंगे कहाँ कहाँ है, यहाँ यहाँ तेरी बात में करेंगे, पहले बड़ी का उस हिसाब से तेरी ही होगा। कितनी प्रॉपर्टी है उस हिसाब से हम तेरी में खर्चे करते हैं। अच्छा पैसा वो बढ़िया जीरे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की तरह बढ़िया 50,000 से लिपटा हो। पंडित जी को 1100 रुपए दो और सब काम करा दो। आपके मरते तेरी नहीं, आपकी जमीन लेता है, मकान बनाता है, सब कुछ करते हैं। सत्य में रियलिटी यही है। आज कहाँ किंतु चालू कितना छोड़ के गए, कितना छोड़। आज का वीडियो बहुत ही कॉमेडी वीडियो है, कोई सीरियस नहीं है इस वीडियो की बातें, सब कॉमेडी, हम लोग बहुत कॉमेडी किए, तो प्लीज़ कोई अपने दिल पे मत लेना, ये सब हमने कॉमेडी किया है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। ये चाची दही बड़ा निकाल रही है, दही बड़ा में ये इमली की
खटाई डाल रही है, बहुत पसंद है मेरे को दही बड़ा, और उसमें इमली की मीठी खटाई ज़्यादा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरा दूसरा चैनल छत्तीसगढ़ी ब्लॉगर धन्नू भी आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो मुझे भी उससे अप्रिशिएट मिलेगा और मैं उसमें अभी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। ये अभी सब हम तैयार होके मरीन ड्राइव जाने के लिए तैयार है। अगला वीडियो आपको मरीन